मैच हालांकि प्रारंभ हो चुका है। सलखान गोल कीपिंग कर रहे हैं। लाखों राशि वाली टूर्नामेंट में बेहतर गोलकीपिंग के लिए सलखान को जर्सी नंबर 3 में कर रहे हैं। सामो का जर्सी नंबर 7 है। बोडा कैप्टन करेंगे जर्सी नंबर 9 इनका। प्रेम जर्सी नंबर 8 में खेल रहे हैं। डिपेंडिंग में सबसे मजबूत प्रेम को माना जाता है। जमाराम जर्सी नंबर 10 में खेल रहे हैं। सुशील जर्सी नंबर 11 में खेल रहे हैं। दिल नहीं कर पाए थे। तीसरा खेल के लिए सुशील को माना जाता है। जर्सी नंबर हल्का सा मिट चुका है, जिसके चलते जो भी दर्शक प्लेयर्स को नहीं पहचान को दर्शाएंगे। बाबुड़िया टीम ने नामचीन खिलाड़ी को शामिल कराया है। रस्कर अतरा इसके विरुद्ध किस तरह से खेल दर्शक खेल को शिरकत को आजमाते हैं। कुतुन डिपेंड्स वन होय देखो जरूरत रे को को मन को दो जत को कार्य को चुनाव मिस्टर गमा से कुतुन वन पैसा ते को ये खाना को आगो इनिया कोड़ा चलिए टीम और साले प्लेयर्स के कैप्टन, ये प्लेयर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा। ये गिनती करेंगे, जिस किसी भी दल का सबसे अधिक गोल रहेगा उस टीम को हम लोग निश्चित रूप से सेमीफाइनल में मौका दे रहे हैं। यानी कि आम भाषा में कहा जाए गोल एवरेज है, जिसका गोल सबसे ज़्यादा रहेगा उस टीम को हम लोग सीधा सेमीफाइनल में मौका दे रहे हैं। ज्योतिष जोशी नंबर 9, चार चार डिफेंडर को छकाने के बाद अपने अपने कब्जे में फुटबॉल को लिए। जर्सी नंबर 7 के लिए मौके को बनाए। जर्सी नंबर 12 के लिए मिडिल एरिया में बॉल को डाले, मौका बना है। शूटिंग बेहतर करने की आवश्यकता है रास्कर रोतरा टीम को। धीरे धीरे तालमेल जार पास पटे बाघोड़िया के लिए। अरे नुकरत रख रहा है ना, मैंने रचू काम करना है। सामू जर्सी नंबर 7 में खेल रहे हैं। जीत और जीना छपती के बाद वर्ष बागुड़िया के लिए लाजवाब तालमेल के साथ गोल अर्जित करने के मौका में रोड़ा बना रस्कर रोहतक के गोलकीपर। क्या बेहतरीन की कोमर जीत के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है। इनका नाम है सामू। बड़े बड़े टूर्नामेंट को टूर्नामेंट में स्टार खिलाड़ी को दहला कि विदेशी मूल के खिलाड़ी को भी चकमा देते हैं। चकमा दिए है रस्कर रोहतक टीम को। बेहतर गोल सबसे टूर्नामेंट का बीते कल कभी अगर हम तुलना करें ये गोल सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उम्दा गोल है, शानदार, जानदार, असरदार।
के लिए देश में चार पासपोर्टिंग बागुड़ी के लिए आज खेला पूरी तरह से। एक गोल के बाद दबाव में खेलेंगे रसकर रोहतरा टीम। इस तरह का गोल जब देखने को मिलते दर्शक खुद ही कब झूम उठते हैं। शायद मैं ये किक मारता तो क्या खुशी मिलती, लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा कुछ नहीं किया। आजकल टूर्नामेंट में देखते हैं कोई भी खिलाड़ी गोल मारते हैं, सेलिब्रेशन दर्शकों को खुश करने के लिए करते हैं। फुटबॉल शैली में आजकल देखने को मिलता है, लेकिन सामू जनता है ये शुरुआती समय। रावतड़ा टीम भी मजबूत है, सेलिब्रेशन से ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से और तीन गोल हमने दागेंगे तो टीम के लिए फायदा होगा। पहला हाफ में पूरी तरह से दबदबा जाजपा स्पोर्टिंग बागुड़िया टीम रावतड़ा के विरुद्ध बनाए। हाफ वे लाइन के रसकर रावतड़ा के एरिया में हमेशा मडराते नजर आ रहे फुटबॉल। गोमके अर्जुन हस्ता अबिन अलिया आड़ंग बिना जम जामिया कुंबड़ा उसरत बिना जो अर्जुन हस्ता अबिन उसरत से ना कुंबड़ा तिबिन जो काफी गर्मी गोल स्कोर महसूस हो रही थी। ये कदम का दरकार है कौन से प्लेयर पर कितने दिन खेल रहे हैं चाहे गोल हम कौन को प्रदर्शन करने का एक मौसम बना है। जरपा बगड़ी सुशील किस तरह से रणनीति को अपनाते ज्योति सिंह के सामने का तेज रफ्तार के खिलाड़ी है। शूटिंग लेने का प्रयास रूप से 100% यानी गोल में तब्दील हो जाएगी। मौका बना है से आवश्यकता थी लगातार तीन कॉर्नर पंच अच्छे पंच आउट गोलकीपर का बेहतर जज किए पंच आउट में सफल रहे और रोहतड़ा टीम के लिए एक काउंटर अटैक का मौका मिल गया। सही दिशा में पास नहीं दे बैठे साल खान के लिए। सुशील तेज रफ्तार से एक जरूरत है मिस अंडरस्टेटिंग सामो और एक प्लेयर के बीच में अन्यथा फिर से सामो सनसनाती गोल मार देते जिसके कब्जे फुटबॉल है ये सामो है। Thank you.
बेहतर एरिया में बॉल को डाले थे, बिल्कुल पेनल्टी एरिया में। सेकेंड हाफ का कुछ मिनट बीत चुका है, सुशील के लिए मौका बना है। टीम रनिंग कोच मोने मोने तक उयर ही है। सुशील ने कहा जुदी आरोन का सुशील रिसीव रे कटिंग के लेट किया ओना आफ्टर गोलकीपर अटिस सही टाइम रे सही जगह के नहीं ना नोआ का तो शूटिंग ना पाए बांग के नहीं ना सेब रे ताकने के नाम किया अनुना आसान गोल किन बेकार का जरपा स्पोर्टिंग बगुड़िया लगन अड्डी ने भाई कटिंग का तेन टंडिर ना हाफ वेलन मुड़े सोलो ही गिने ऐसे उन्हें बड़ा से दी कहाँ करने डिपेंडर कटिंग और रिक्स बंक बाता ना मिट्टन गोल के तो कला आकर सुशील लगन दोसार ताक में ना दोसार गोल लगन टीम लगन पूरा फायदा समो नौकर कुड़ा किधर के ना नौकर ताके हमार जब सब सुशील गोल कर मार एसिस्ट ले गनवा ना गोल रे एसिस्ट करना जब तो कौन मारे सम सेमीफाइनल को खेल रहा जीत की खुशबू पूरी तरह से जरपा स्पोर्टिंग बघोड़िया टीम में जाता हुआ हल्का सा निराश लगा टीम में लेकिन खेल में ये कहा नहीं जा सकता कि कौन सा दल को विजय मिलेगी। चलिए सामो के लिए एक बेहतर पास को निकाले रस्करत्रा टीम में पुलिस जुगू जैसे धारदार स्ट्राइकर को देखने को मिलती है। शायद टीम को आज कमी खल रही है जिसकी अनुपस्थिति टीम में नहीं देख रही है जिसके चलते भारी पड़ा है जरपा स्पोर्टिंग बघोड़िया तीन गोल की तलाश में अच्छा तालमेल के साथ मौके को गवाए निराशा महसूस होगी इतने आसान मौके को आप गवा रहे हैं इसके बाद लास्ट मैच है फर्स्ट राउंड का तो लास्ट मैच में दर्शक को इंतजार करना मुश्किल लगता है। फिर से मौका बना है सुशील तेज रफ्तार से आगे बढ़े कटिंग करने के बाद पैटर्न यहां पे अरोड़ा बने तीसरा गोल के लिए सामू का नाम मैं आज बार बार ले चुका है इतना अच्छा असिस्ट करते हैं सामू के लिए अपने खाते में दो गोल अर्जित करने का मौका मिलेगा खेल को बेहतर